जय माता जी मित्रों, हूँ आप सर्वेनु अमारी यूट्यूब चैनल गुज्जू वार्ता एंड कथा में हार्दिक अभिवादन करूँ छूँ। मित्रों, आ वीडियो में आपणे गणेश चौथ व्रत करवानी विधि अने तेनी पाछळ संकळायेली पौराणिक व्रत कथा विषे एक झांखी करीशुं। गणेश चौथ करवानी विधि। भादरव सुद चौथे दिवसे आ व्रत लेवाय छे। व्रत करनारे भादरव सुद एकम थी गणपति दादानी स्थापना करवी, दररोज विधिव्रत पूजा करवी तथा आ कथा सांभळवी। व्रत करनारे मीठावाड़ी वस्तु न खावी। चौथने दिवसे चंद्रना दर्शन करवा अने त्यारबाद गणपतिनी मूर्तिने जड़मा पधरावी विसर्जन करवू। आ व्रत करनारनी सगळी मनोकामना पूर्ण थाय छे। गणेश चौथ पाछळ संकळायेली पौराणिक व्रत कथा। एक दिवस गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि सहित आकाश मार्गे कैलास तरफ जवानी कर्या। रस्तामां चंद्रलोक आवता चंद्रए गणपतिने जोया। तेमनो देखाव जोई चंद्रने हसु आव्यु। आथी गणपति तेना पर गुस्से थया अने श्राप आपता बोल्या, हे चंद्र, तने तारा रूपनो अभिमान छे खरु ने, एटले तू मने जोईने हसे छे, पण याद राखजे आजनो दिवस कोई तारू मुख नहीं जुए अने जो भूले चूके जोशे तो तेना माथे कलंक लागशे। आ सांभळी चंद्र गभराई गयो अने बीकनो मार्यो जड़मां रहेला कमळमां छुपाई गयो। आथी चारे कोर अंधकार छवाई गयो। स्वर्गलोकना देवोने आनी जाण थई। आथी तेओ अकड़ाई उठ्या अने तरत ब्रह्माजी पासे आवी चंद्रना पापनो निवारण पूछवा लाग्या अने आ श्रापमांथी केवी रीते मुक्त थवाय ए पूछवा लाग्या। ब्रह्माजीए देवोनी वात शांतिथी सांभळी। त्यार पछी तेओ बोल्या, गणपतिनो श्राप क्यारेय मिथ्या थतो नथी, तेम छत्ता गणपति प्रसन्न थाय अने कंईक रस्तो निकळे एवो उपाय हूँ तमने बताऊँ छूँ। देवोए उत्कंठाथी पूछ्यूं, गणपतिने शी रीते प्रसन्न करी शकाय? ब्रह्माजीए कह्युं, गणपतिने प्रसन्न करवा माटे चंद्रए गणपति चौथनुं व्रत करवुं पड़े। ए वखते गणपतिने पंचधातुनी मूर्ति बनावी एमनी स्थापना करवी, विधिवत तेनी पूजा करवी, नैवेद्यमां लाडू धरावो। त्यारबाद चौथना दिवसे सांजे गणपतिनी मूर्तिने वाजते गाजते नदी के दरियाकांठे लई जई जळमां पधरावी देवी। जो आ दिवसे योग्य ब्राह्मणने जमाड़ी यथाशक्ति दान आपवामां आवे तो गणपति तेना पर अति प्रसन्न थाय छे अने तेना सगळा संकटो दूर करे छे। त्यार पछी देवोए बृहस्पति साथे चंद्रने आ मुजबनो संदेश पहुंचाड़ी दीधो। चंद्रए पण श्रापना निवारण अर्थे व्रत करवानो दृढ़ संकल्प कर्यो। भादरवो महीनो आवता चंद्रए गणपतिनी पंचधातुनी मूर्ति बनावी तेनी स्थापना करी, पूजा करी व्रतनो आरंभ कर्यो। तेणे गणपतिने प्रार्थना करता कह्युं, हे गजानन, मारथी भूलमां कंई बोलाई गयुं होय तो मने माफ करो अने तमारा श्रापमांथी मने मुक्त करो। चंद्रनी भक्ति जोई गणपति खुश थया अने बोल्या, हे चंद्र, तने तारी भूल समझाई गई ए वात सारी कहेवाय, परंतु तू मारा श्रापमांथी मुक्त नहीं ज थई सके, तेम छता ते मारू व्रत कर्यू तेथी हूँ तारा पर प्रसन्न थई मारा श्रापने थोड़ो हळवो बनावू छूं। तो सांभळ, कोई व्यक्ति भादरवा सुद बीजना दर्शन करे पछी चौथना दर्शन करे तो तेने कोई पण जातनु संकट नहीं नड़े। बाकी भूले चूके जो कोई बीजना चंद्रना दर्शन करिया वगर चौथना दर्शन करशे तो तने जरूर कलंक लागशे। तेम छता जे कोई मारू व्रत करशे तेना पर मारी कृपा दृष्टि उतरशे। हे गणपति दादा, जेओ तमारू व्रत पूजन करे, तमारी वार्ता सांभळे,
તેમનું સદાય કલ્યાણ કરજો, તેમને સંકટ નિવારણ કરજો અને તેમની ઉપર સદાય પ્રસન્ન રહેજો। ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા।